तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं और पढ़ाई शढ़ाई में एकदम जीरो जान से लगे हुए हैं। एग्जाम बिल्कुल एकदम सर पे हैं और हम हैं बिजनेस स्टेटिस्टिक्स पे। और पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कार्ल पियर्सन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आ चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। तो उसमें अपन ने देखा था कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट रिलेशन बार बार पूछा गया। ऐसा सिखा दूंगा कि सबसे पहले हमला इसी के ऊपर करोगे और ये वाला क्वेश्चन निपटा के आओगे। क्या कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा? एमबीए और बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम के अंदर आता है और बीटेक यूजीसी नेट में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो एमटेक तक आने वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन किस तरीके से होता है पहले वो देखते हैं, फिर फॉर्मूला पे आते हैं और फिर इसको अप्रोच करना सीख जाओगे। केवल 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा पर सीख जाओगे, इतना मेरे को भरोसा है। केवल मेरे को ध्यान से सुन लो। पहला कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से आएगा। दो डेटा दिए हुए होंगे एक्स और वाई। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। तो डेटा दिए हुए होंगे, एक्स दिया है 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11, 9, वाई दिया है 9, 4, 6, 9, 11, 13, 8, 4 और यह एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला याद करवा देते हैं, जैसे कि अपन फॉर्मूला याद करवाते हैं, याद रखिएगा, सिग्मा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी सिग्मा एक्स ही होता है, सिग्मा एक्स इंटू डॉट का मतलब इंटू है, चलो इंटू ही लिख दो, सिग्मा वाई। और मैंने क्या बोला था, यदि यहां पर स्क्वायर आ रहा है तो यह अंडर रूट में भी आएगा। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, अच्छा ये स्क्वायर भी लिख देना, सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, सिग्मा एक्स वाई जो इन दोनों की गुणा होगा सिग्मा एक्स वाई आएगा और स्मॉल का हो रहा है, इन दोनों का नहीं हो रहा, तो स्मॉल कैसे निकालते हैं वो भी अपन सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर कैसे क्या होता है। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक अपन को कवर अप करना होगा, तभी ये कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन बनेगा। वो होता है मीन, हाउ मीन यू आर, और नॉर्मल इसको बोलते हैं एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन है ना, ये फॉर्मूला मीन का अपन ने एवरेज निकालने का किया, यानी कि टोटल लगानी है और उसका एवरेज लगाना है। जैसे कि ये टोटल जो दे रखी है इसकी टोटल लगाएंगे और जितने नंबर ऑफ आइटम है, कितने नंबर ऑफ आइटम है थोड़ा सा चेक करो, कितने नंबर है फटाफट गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा अब यहाँ पर तीसरा कॉलम भी हो सकता है, कभी सीरियल नंबर दे दे, कभी एबीसीडी दे दे, कभी पीक्यूआर दे दे, तो कंफ्यूज मत होना, एक्स और वाई पे ही अपन को पूरा वर्क करना है। वो पीक्यूआर एबीसीडी केवल देखने के लिए दिया है, तो इतना परेशान होने की कोई बात अपनी है नहीं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ दे दिया, y का दे दिया, तो 8 नंबर्स ऑफ वेरिएबल है और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड से सॉल्व करना है, और वो भी किस मेथड से कर रहा हूं मैं, मीन के मेथड से। अधिकतर यही पूछा जाता है इसलिए अपन आगे बढ़ते ही नहीं, मीन वाला ही क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल बनी हुई, हाँ तो टेबल बनी हुई है भैया इसकी, बहुत बढ़िया हैंड रिटन टेबल है, कोई कंप्यूटराइज नहीं है इसलिए थोड़ा सा डेटा इधर उधर है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, तो सबसे पहले इस टेबल में से हमको क्या निकालनी है, इसकी टोटल करनी, तो x की टोटल करो। चलिए करिए टोटल, x की टोटल करिए, मैं भी करता हूँ आप भी करिए, आजकल तो सब जगह मोबाइल की जगह हमारे कैलकुलेटर ने ले ली है। बताइए कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर से याद आया एक इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेटर साइंटिफिक मत ले जाना, एमबीए वाले बीटेक वालों के लिए अलाउड होता है, अपन को नॉर्मल कैलकुलेटर ले जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर मत एग्जाम के अंदर लेके चले जाना। अकाउंट्स में तो खैर पेपर दे चुके हो तो नॉलेज होगा, लेकिन मेरा फर्ज है बताने का तो मैं बता देता हूँ। चलिए इसकी टोटल लगाइए 10, 6, 9, हाँ तो इसकी टोटल आ गई 80, बराबर है ना, हाँ 80। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब। अब 80 डिवाइड बाय 8 तो कितना आया हमारा x बार, कितना आया यानी कि मीन कितना आया 10। अब x स्मॉल x का फॉर्मूला है x बार माइनस x, क्या फॉर्मूला है, x बार में से x माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल x आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, माइनस करेंगे x से 10, 10 में से 10 गया 0, 10 में से फिर 6 गया 4, फिर 10 में से 9 गया 1, 10 में से 10 गया 0, 10 में से माइनस 12 गया माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1 और 1, बराबर है ये x स्मॉल x की टोटल आ गई। अब x स्क्वायर कर लो, 0, 4 into 4, 16, 1, 0, 2,
2 2 4 3 3 9 1 और 1, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसी तरीके से y की टोटल कर लेते हैं, 9 + 4 + 6 19 19 20 64। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लो, 64 टोटल आ रही होगी, हाँ 64 ही है। और नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 8 हैं, तो y बार क्या हुआ, 8 आया ना, 64 डिवाइड बाय 8, तो 8 हमारा आ गया। तो थोड़ा सा अच्छा ऐसा हो गया है, थोड़ा सा बराबर है ये, इस तरीके से मैंने यहाँ पर 8 निकाल दिया था। अब वापस से इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब y बार में से y माइनस करना है, यानी y बार माइनस y, ठीक है। 8 में से 9 गया माइनस का 1, माइनस नहीं, 8 में से 4 गया तो प्लस का 4, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 0 और 4 प्लस। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, इतने से के अंदर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करा है मैंने, केवल y की टोटल ले ली, y की टोटल को उसके नंबर से डिवाइड कर दिया, 8 आया, 64 टोटल आई, डिवाइड बाय 8 करा तो 8 मेरा मीन आ गया, मीन को मैंने सबसे डिवाइड कर दिया। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें, नहीं आ रही ना, टोटल भी मैंने वेरीफाई कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। अभी x स्क्वायर और y स्क्वायर की टोटल भी लगानी है अपन को, फॉर्मूला में लिखा हुआ था, लेकिन उससे पहले अपन ये कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट कर दे, ये लास्ट स्टेप बची। किसी बड़े काम को करना है ना तो उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर दो। तो पहले अपन ने सब पहले मीन निकाल दिया और फिर मीन में से माइनस कर दिया और फिर उसका स्क्वायर, पहले मीन निकाला, मीन में से माइनस करा, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास स्टेप हो गई। अब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का, यानी कि हाँ चलिए कलर तो अलग ही है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मल्टीप्लिकेशन है। जीरो में से वन का माइनस तो जीरो है ना, 4 × 4 = 16, ठीक है। इस इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इस डिजिट का, इस डिजिट से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, 2 × 1 = 2 = 0 बराबर है ना, 1 × 0 = 0, 2 × 3 = 6, 15 = 0 और 4, क्लियर है, 1 × 4 = 4। तो चलिए यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हुए, x x का स्क्वायर, y y का स्क्वायर, y का स्क्वायर और x y। अब टोटल लगानी है, भैया आप टोटल हमको फॉर्मूला क्या दे रखा है, फॉर्मूला देखते हैं, आइए फॉर्मूला क्या बोला है, फॉर्मूला हमको बोला है, थोड़ा सा फॉर्मूला तो अपन बड़ा में लिखेंगे, हाँ फॉर्मूला बोला है, क्या बोला है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अच्छा ये भी स्मॉल वाला ही है ना, तो ये अपना फॉर्मूला है। तो अब अपन को सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर की टोटल चाहिए और सिग्मा एक्स वाई की टोटल चाहिए। तो चलिए सिग्मा एक्स वाई की टोटल निकालते हैं, जीरो, चलिए कैलकुलेटर से करिए जल्दी जल्दी, मेरे साथ करेंगे तो ही क्वेश्चन आएगा। आनंद जी तभी, आनंद सर तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहते हैं। 16 + 2 + 6 + 15 + 4 क्या आया इसकी टोटल, 43 निकल गया। 43 को यहाँ ऊपर रख दो एक सेकंड के लिए, ये सिग्मा एक्स वाई का आपने 43 आ गया। इसके बाद अब अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टोटल निकालेंगे, इधर की टोटल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए टोटल निकालिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल निकालिए जल्दी 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 जल्दी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल है 32 और सिग्मा वाई स्क्वायर की टोटल आ रही है हमारी, वापस से करिए, 72, ठीक है।
सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल आ रही है 32 और सिग्मा वाई स्क्वायर की टोटल आ रही है 72। एक बार फिर देख लो, है ना, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 15 16 32, ठीक है, कंप्लीट है। एक बार मैंने कैलकुलेटर और दूसरी बार वर्बली अपन चेक कर लिए, 16 4 20 20 और 10 30 30 30 50 55 55 और 10 65 65 और 65 और 66 हाँ 72 बराबर है। अब क्या करना है, इधर 72 है इधर 32 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा यहां पर 72 इंटू 32 बराबर है और दोनों रूट में, ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अरे सर हो गया क्या, देखो इधर यही फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूले के अंदर, बस हम तो इसके फिगर ले रहे हैं, इधर से मैंने 43 लिख दिया, इधर से 43 कर दिया, डिवाइड बाय क्या करा है, उधर का फॉर्मूला क्या रहा 32 और 72, तो इधर लिख दिया 32 इंटू 72। तो चलिए आइए पहले 32 इंटू 72 करते हैं। अब इसमें तो आनंद सर को एक छोटी सी ट्रिक याद है, लेकिन अभी वो ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, अपन कैलकुलेटर से हल लेंगे। हाँ 32 इंटू 72 2240 2304 और ये आएगा रूट में और ऊपर रहेगा 43, डिवाइड करना है 23 को, तो अपन ये आया रूट 2304, ये आया नीचे 48 और ये रहा 43, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 43 डिवाइड बाय 48 तो आया आपका 0.89, क्या आया आंसर 0.89, तो R इक्वल टू आप लिखेंगे 0.89, पॉजिटिव रिलेशन है भैया X और Y के अंदर, इससे क्या मालूम पड़ा X और Y के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कोई दिक्कत आई इसके अंदर, X और Y के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले x और y की टेबल दी हुई होगी, दोनों की टेबल को डिवाइड नीचे टोटल लगा देना और नंबर से डिवाइड कर देना, नंबर से जैसे ही डिवाइड हो जाएगा आपको स्मॉल x बार और x y बार आ जाएगा, दोनों को आपकी सीरीज में से माइनस कर देना और फिर उसी सीरीज का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके स्क्वायर के टोटल कर देना और y की टोटल कर देना, ये इसको नीचे में लिखना है और इसको अंडर रूट लगाना है और ऊपर स्मॉल x इंटू स्मॉल y करेंगे, स्मॉल x इंटू स्मॉल y यानी कि ये जीरो इंटू ये y स्मॉल y माइनस का 1 तो 0 आया, तो ये 43 इसकी टोटल आई और नीचे हमने जैसे ही इसको सॉल्व करा हमारा 0.89 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।